तो ज्वर का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्वर में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि ज्वर जो है वह आगे और कौन कौन से टाइप्स में है, और वो भी हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो हमारे प्रैक्टिस में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में हम लोगों को इतना भी नहीं करना है कि खुद को कन्फ्यूज़ कर लेना है, हमें प्रैक्टिकली कौन कौन से पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको डायग्नोज करना है और चिकित्सा देना है और आगे बढ़ना है, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अभी मैंने कल विषम ज्वर बता दिया आप लोगों को, आप लोगों ने वो शायद समझ लिया हुआ सारा कॉन्सेप्ट। अब मैं बता रहा हूँ तो प्रलेपक ज्वर और वात बलासक ज्वर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं मेन धातुगत ज्वर में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा दोष प्रकोपित होके अमावस्या आके और फिर वह धातुओं में जाके अगर रसगत ज्वर होता है, पहले जो मैंने विषम ज्वर में बताया उसमें दोष कम रहते हैं और उसमें वायु जो रहता है उसका डोमिनेंस ज्यादा रहता है, और अल्प दोष वायु दोष ज्यादा, और वहां पे थोड़े टाइम के लिए ही ये दोष प्रकोपित होकर रहते हैं और उनका आना और विसर्ग होना यह चालू रहता है। तो विषम ज्वर अलग है और धातुगत ज्वर मेन धातु में व्याप्त होके और वहां पर जो ज्वर है वो अलग है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर ज्वर की आमावस्था में क्या होता है, पच्यमान अवस्था में क्या होता है, निरामावस्था में क्या होता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो है ये कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, वो पढ़ाया जाता है तो वो थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद में भूल जाते हैं, किताब बंद, एग्जाम पास हो गया, बस बस हो गया, उसके बाद में फिर कोई इसके बारे में चर्चा नहीं करता है। तो मैं आज पहले प्रलेपक ज्वर के बारे में बताता हूँ और फिर हम लोग आगे देखेंगे, और आप लोग के जो भी प्रश्न है, डाउट्स है, वह आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, आप लोग के जो भी विचार है वो उस सब का मैं, जो चीज समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। प्रलेपक ज्वर जो है, प्रलेपक ज्वर, प्रलेप होना इसका मतलब ऐसा है कि प्रलेपक ज्वर में क्या क्या होता है वो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ऐसा बता रहे हैं कि अष्टांग संग्रह निदान स्थान दूसरा में बता रहे हैं, प्रलिप्पन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च मंद ज्वर प्रलेपी स च शीता स्यात् प्रलेपका। इसमें ऐसा रहता है कि मंद ज्वर रहता है सबसे पहले, और यह एक विसर्गी ज्वर है, मतलब आता है फिर जाता है, लेकिन यह शाम के टाइम पे ज्वर वेग आता है, मतलब जैसे ही संध्या काल होता है ना, जब वायु का काम हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब 2 से 6 बजे के बीच में, तो शाम शाम को ही बुखार आता है, दिन भर बुखार नहीं आएगा। और दूसरा, इसमें जब इसमें कभी कभी क्या होता है कि पसीना आता है, लेकिन ठंडा पसीना आता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, इसमें पसीना आता है और बहुत ज्यादा ठंडी बज के बुखार आता है, कभी 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 पसीना आता है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें इतना नहीं रहता कि दाह पाक ऐसे कंडीशन रहे, इसको बोलते हैं प्रलेपक ज्वर। और इसमें पूरा शरीर लिप्त रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो चीज, जैसे कोई घी या तेल लपेट दिया गया है, इस तरह से इसको प्रलेपक ज्वर, प्रलेप कर दिया है, जैसे लेप लगा दिया है, इस तरह का ज्वर जो रहता है उसको प्रलेपक ज्वर बोलते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि राजयक्ष्मा व्याधि में भी प्रलेपक ज्वर के बारे में बताया गया है, और वह बता रहे हैं कि यह दुष्चिकित्से होता है, अगर राजयक्ष्मा के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, सारे लक्षण आ जाते हैं, तो यह दुष्चिकित्से होता है, मतलब इनकी चिकित्सा करना बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। और दूसरा बता रहे हैं कि शोषीणाम प्राणनाशक नहा, मतलब जो शोष रोगी हैं जिनको राजयक्ष्मा हो गया है, धातुओं का क्षय हो गया है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय हो गया है, उनका यह प्राण नाश कर देता है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। उसी तरह से अंतर्विद्रधि का जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें भी प्रलेपक ज्वर के बारे में बताया है कि ये शाम शाम को, इवनिंग टाइम में 2 से 6 बजे के बीच में जो ज्वर आता है उसमें कभी कभी ठंडी बज के बुखार आता है और पसीना भी बहुत आता है, और केवल शाम के टाइम पे ही आता है, वायु के टाइम पे ही आता है, इसको प्रलेपक ज्वर बोलते हैं। दूसरी तरह से कुछ आचार्य बोलते हैं कि प्रलेपक ज्वर जो रहता है यह त्रिदोष जन्य रहता है, इसमें वात पित्त कफ तीनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और मेन रूप से कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, कफ का है इसलिए ठंडी बजती है, पित्त का है इसलिए पसीना आता है, और तो इस तरह से ये प्रलेपक जो, और कफ और पित्त के वजह से पूरा शरीर में ऐसा लगता है कि कुछ तो लिप्त है, कुछ तो लपेटा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, इस तरह से ये प्रलेपक ज्वर हो जाता है। दूसरा है वात बलासक ज्वर, उसमें ऐसा बता रहे हैं अष्टांग संग्रह निदान स्थान दूसरा में बता रहे हैं, वात बलासक ज्वर के बारे में बता रहे हैं कि नित्यम मंद ज्वरो रुक्षः शुकस्तेन सीदति स्तब्धांगश्लेष्म भूयिष्ठो भवेत वात बलासको। इसमें भी ऐसा बताया कि राजयक्ष्मा में ही यह ज्वर पाया जाता है, और दूसरा ये बता रहे हैं कि वात बलासक ज्वर, अष्टांग संग्रहकार जो है वृद्ध वाग्भट, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया है कि इसमें कफ प्रधानता ज्यादा रहती है और इसमें वायु भी रहते हैं, इसलिए बोलते हैं वात बलासक ज्वर,
कफ मेन है और वायु भी है। तो और इसमें बोल रहे हैं कि ज्वर वेग जो रहता है वो मंद रहता है और त्वचा रुक्ष हो जाती है वायु की वजह से। उसी तरह से पूरे बॉडी में स्वेलिंग आती है, सर्वांग शोथ हो जाता है, ऐसे सिम्टम बता रहे हैं। पूरा बॉडी जो है वो जकड़न जैसा रहता है, जकड़ गया है ऐसा सिम्टम आ जाता है। और वात कफोलवण सन्निपात अवस्था रहती है, मतलब तीनों दोष इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन वात और कफ इसमें प्रधानता रहती है। ऐसा सिम्टम जब आता है तो उसको बोलते हैं वात बलासक ज्वर। इसी तरह से सिम्टोमेटिकली इसमें क्या क्या रहता है, तो लाला स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा होता है क्योंकि कफ का डोमिनेंस है, मुंह से बहुत ज्यादा लार आता है, शरीर में ठंडी बचती है, काश श्वास ज्वर, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं, ऐसे उपद्रव उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद में मैंने दो प्रलेपक ज्वर, वात बलासक ज्वर, ये ज्यादातर जो हमें दिखता है वो मैंने बता दिया। अब धातुगत ज्वर, मतलब रस धातुगत ज्वर कैसा होता है, रक्त धातुगत ज्वर कैसा होता है, मांस धातुगत ज्वर कैसा होता है, मेदो धातुगत ज्वर कैसा होता है, और अस्थिगत, और फिर उसके बाद में मज्जागत और शुक्रगत, सारे धातुओं में जब ज्वर की व्याप्ति हो जाती है और इसमें दोष बहुत ज्यादा बलवान रहते हैं तो क्या सिम्टम रहते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्वर जो रहता है वह एक एक धातु में जाके एक एक प्रत्यात्म लक्षण दिखाता है। विषम ज्वर जो था संतत सतत अन्य दुष त्रितक चतुर्थक, वह बात छोड़ दीजिए, वह विषम ज्वर है, वह आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन ये जो धातुगत ज्वर है ये इनका इसमें दोष ज्यादा बलवान रहते हैं और ये ज्यादा दिन तक टिके रहते हैं। और इसके सिम्टम्स भी जो रहते हैं वह एक एक धातु को प्रदोष करने के वजह से कुछ ज्यादा ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसकी चिकित्सा अलग रहती है, इस पर भी मैं बताऊंगा। इसकी चिकित्सा भी चरक संहिता में धातुगत ज्वर अलग बताया है, और जो विषम ज्वर में संतत सतत त्रितक उसमें तो रस पाचक रक्त पाचक मांस पाचक मेदो पाचक अस्थि मज्जा पाचक बताया है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें और ये जो धातुगत ज्वर होते हैं ना, इसमें ये अगर ज्यादा क्रॉनिक रहा तो धातुपाक अवस्था होकर मृत्यु तक भी हो सकता है, इसलिए इसकी चिकित्सा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विषम ज्वर जो है वह ज्यादातर आता है जाता है तो वह उतना फेटल नहीं रहता, मतलब उससे अरिष्ट सूचक लक्षण आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन धातुपाक अगर होने लगा धातुगत ज्वर में तो यह जरूर मृत्यु को लेके जाएगा, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसीलिए सुश्रुत उत्तर तंत्र में 39 चैप्टर में ऐसा बताया कि वात पित्त कफोत्थानाम दोषाणाम लक्षणम यथा तथा तेषाम विषक भूर्यात रसादीष्वापि बुद्धिमान, ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि यह धातुगत अवस्था जो है वह ज्वर की गंभीर अवस्था है, मतलब इसमें सिवेरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन हो जाता है। इसमें रस धातु रक्त धातु मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इस तक ये चले जाते हैं और अधिकाधिक गंभीरता आती है और बहुत ज्यादा दोष लीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं, डीपली रूटेड हो जाते हैं। मेरे पास एक बूढ़ी माई आई थी, मतलब वृद्ध एक माता जी आई थी, 2004 की बात है, तो उनको ना बोन फीवर था, मतलब वो बहुत दिन से हड्डियों में दर्द होता था और एलोपैथी ने डायग्नोज किया था लेकिन ट्रीटमेंट दे रहे थे तो कुछ वो बोल रहे थे इडियोपैथिक काज के वजह से। और जो सिम्टम यहाँ बताऊंगा ना मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अस्थिगत ज्वर के पेशेंट थे, उनका फीवर ही नहीं उतरता था, कंटिन्यू रहता था। इसी तरह से मेरे पास एक रक्त धातुगत ज्वर, एक मैडम आई थी जो मारवाड़ी थी, तो उनमें ना क्या हुआ कि शादी के पहले ही उनको फीवर आना शुरू हुआ, एलोपैथी की दवाइयाँ दे रहे थे और यहाँ एलोपैथी का इतना बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा था ठीक, एंटीबायोटिक्स चल रहा था। और वो एलोपैथी का सारा दवाई लेने के बाद उनके पूरे बॉडी में ऐसे चकते चकते आ गए थे, रैशेस आ गए थे, फिर शादी हो गई तब भी फीवर कंटिन्यू रहता था, उसके बाद में 2 बच्चे हुए तब भी फीवर कंटिन्यू रहता था और बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई थी। और वो मेरे पास आई तो मैंने जो ये धातुगत चिकित्सा बताया उसी तरह से मैंने धातुगत ज्वर की चिकित्सा किया और वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गए। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, चिकित्सा भाग मैं बाद में बताऊंगा, अब ये क्या क्या ज्वर रहता है वो टाइप मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। धातुगत ज्वर मतलब धातुओं में जाके और ये ज्वर रहता है, अगर इसको चिकित्सा नहीं किया गया तो धातु पाक हो जाता है। अब धातु पाक कब होगा, अल्प समय में भी हो सकता है या दीर्घ काल में भी हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट वो डिपेंड करता है। तो धातुगत अवस्था जो रहते हैं उसके बारे में ऐसा बता रहे हैं कि रस रक्ताशितो साध्य, मतलब रस और रक्ताश्रित, सॉरी, रस और रक्त आश्रित जो ज्वर रहता है वो साध्य बताए हैं। मांस मेदोगतश्च यह अस्थि मज्जागतश्च कृच्छा शुक्रस्तु न सिद्ध्यति, ऐसे बता रहे हैं कि रस आश्रित रक्त आश्रित मांस आश्रित मेदो आश्रित मेदोगत आश्रित जो धातुगत ज्वर हैं वह साध्य बताए हैं, मतलब उनकी चिकित्सा अगर प्रॉपर किया जाए तो वह ठीक हो जाते हैं।
और अस्थि मज्जागत जो है, अस्थि धातुगत जो ज्वर है, फिर मज्जागत जो ज्वर है वह कृच्छ साध्य, मतलब कठिनाई से ठीक होने वाला, क्योंकि गंभीर धातुओं का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उसी तरह से शुक्र अस्तु न सिद्ध्यति, शुक्र धातु का अगर ज्वर गया तो उसकी चिकित्सा ही नहीं हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो लास्ट धातु है, और शुक्र में गया तो वो मृत्यु तक लेके जाएगा, अरिष्ट सूचक लक्षण आएंगे और फिर मृत्यु तक लेके जाएगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, और ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे तो हमारे पास जो अभी कोरोना काल में जो पेशेंट आए उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि हाँ आगंतुक कारण है ठीक है, लेकिन कौन से धातु में चला गया है ये ज्वर। अगर हमने नई चिकित्सा समझ ही नहीं आएगा, वैसे सोचेंगे ही नहीं, तो हम चिकित्सा कैसे करेंगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा बता रहे हैं कि धातुगत अवस्था जब रहती है तो पहले रस धातुगत अवस्था रहती है, फिर रक्त धातुगत अवस्था रहती है, फिर मांस धातुगत अवस्था रहती है, फिर मेदो धातुगत अवस्था रहती है, फिर मज्जा, फिर अस्थि और शुक्र। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये धातुगत अवस्था जो रहती है उत्तरोत्तर धातुओं में ये जाती रहती है। इसमें खले कपोत न्याय जैसा नहीं होता है कि पहले ज्वर हुआ और डायरेक्ट जंप मार के अस्थि मज्जागत हो गया, ऐसा नहीं होता है। यह पहले रसगत होता है, उसकी चिकित्सा नहीं की है तो आगे की धातु में जाएगा, फिर उसके बाद में तीसरे धातु में जाएगा, फिर चौथे धातु में, ऐसे धातु 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 ऐसे करते हुए ज्वर वो बढ़ते जाता है। अब इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ये क्रम से होता है ज्वर, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, और इसमें जो जो धातुओं की दुष्टि है वैसे वैसे सिम्टम समझना भी बहुत जरूरी है। और अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पेशेंट भी दिखाऊंगा और पेशेंट से बात भी कराऊंगा, अगर आपको टाइम हो तो आप मेरे पास आके देखिए। ऐसे पेशेंट आते हैं कि धातुगत अवस्था रहती है तो कैसा ज्वर रहता है, क्योंकि अगर जितना पेशेंट देखेंगे उस हिसाब से डायग्नोस करेंगे तो चिकित्सा भी आप लोग का सफल होने लगेगा। तो इस और इसमें रस पाचक रक्त पाचक काम नहीं करता है, इसमें शोधन चिकित्सा ही करना पड़ता है। इस पे मैं आगे बताऊंगा, चिकित्सा चिकित्सा भाग अभी रोक रहा हूँ, मैं अभी पहले ये अवस्थाएं बता देता हूँ, फिर से हम चर्चा करेंगे तो फिर से इस पर और डिस्कस करेंगे। तो रसगत ज्वर जब रहता है, रस धातुगत आम है, और ज्वर जो है उसकी व्याप्ति रस धातु को पूरी तरह से व्याप्त हो गई है, और दोष बल बहुत ज्यादा बलवान है। तो इसमें क्या रहता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो माधव निदान में ज्वर अध्याय है, उसमें 48 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि रस धातु का ज्वर रहता है तो गुरुता हृदयोत्कलेदः सदनं छद्यारोचको रसस्ते तु ज्वरे लिंगं दैन्यं चास्योपजायते। इतना बढ़िया बताया है कि पूरा शरीर में गुरुता आ जाती है, पूरा बॉडी हैवी हैवी होता है, क्योंकि रस धातु का कार्य क्या है, प्रीणन कार्य। अब प्रीणन कार्य अच्छे से नहीं होगा, पूरा स्रोतस में पूरे दोष भर गए हैं, ज्वर पूरी तरह से व्याप्त हो गया है, तो इसलिए पूरा बॉडी में हैवीनेस आएगा, गुरुता ये सिम्टम आने लगता है। फिर हृदयोत्क्लेशः, हृदय से ऐसा लगता है कि उत्क्लेश हो जाएगा, कुछ तो जी मिचलाता है, बहुत ज्यादा उल्टी आने लगता है, इतना ज्यादा जी मिचला, नौशिया फीलिंग होने लगता है, ये रस धातुगत ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। उसी तरह से सदनम, पूरा बॉडी में अंग साध होता है, ऐसा लगता है कि जड़ हो गया है पूरा पूरा, मतलब स्टिफनेस आ रहा है ऐसा, क्योंकि रस का परिभ्रमण ही नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से छर्दी अरोचको, उल्टी आती है पेशेंट को बार बार, फीवर भी आता है और उल्टी भी आती है, और अविपाक भी होता है, मतलब खाना भी नहीं पचता है, खाने का टेस्ट भी नहीं आता है, ये रस धातु का ज्वर के सिम्टम है। उसी तरह से बता रहे हैं रसस्ते तु ज्वरे लिंगम दैन्यम चासोपजायते, मन जो रहता है, अब रस धातु से ही मन का भी प्रीणन होता है, अब मन भी दूषित हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दीनता आ जाती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है। इसी को चरकाचार्य जी ने ऐसा बोला है कि इसमें रस धातुगत ज्वर में जृम्भा और अंगमर्द बहुत ज्यादा जम्हाई आती है, और अंगमर्द मर्दनवत पीड़ा, पूरा बॉडी एक होने लगता है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो यह जब बताते हैं तो रसगत धातुगत ज्वर है। इसी को मैं श्लोक में एक बार फिर से पढ़ता हूँ तो आप लोग को याद हो जाएगा। ऐसे बता रहे हैं गुरुता हृदयोत्क्लेदः, गुरुता हृदयोत्क्लेशः, उत्क्लेश है, उत्क्लेद नहीं, उत्क्लेश है। सदनम छद्य रोचको रसस्ते तु ज्वरम लिंगम दैन्यम च अस्योपजायते, मतलब यहाँ पे मन की दीनता, मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मन का अवसाद, मन की दीनता, ऐसा सिम्टम दिखने लगता है। इसके बाद में आ रहा है रक्तगत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर जब रहता है तो क्या रहता है। 49 नंबर का श्लोक है माधव निदान में ज्वर अध्याय में, 49 नंबर का श्लोक आप लोग देखेगा तो आप लोग को और समझ जाएगा। रक्त निष्ठेवनम दाहो मोहश्चर्दन विभ्रमो प्रलापः पीड़का तृष्णा रक्तपात रक्त प्राप्ते ज्वरे निर्णाम, मतलब इसमें रक्त का निष्ठीवन होता है, मतलब जब भी थूकेगा पेशेंट तो ब्लड आता है,
ऐसा टिपिकल सिम्टम होते हैं। फीवर तो रहेगा ही, लेकिन ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये रक्त का ज्वर है। तो रक्त निष्ठीवन होता है, पूरे बॉडी में दाह होता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगता है, मोह होने लगता है, जो माइंड है ना क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ नहीं आता है, मोहावस्था हो जाती है, फिर छर्दी होता है, उल्टी आता है, फिर भ्रम होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, फीवर है लेकिन ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो समझ आता है, फिर प्रलाप होता है, इररिलेवेंट टॉकिंग करने लगता है पेशेंट, फिर पिड़काएं, पूरे बॉडी में पिड़का पिड़का रैशेस 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 और छोटे छोटे दाने 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 आने लगते हैं, तो ये रक्तगत ज्वर के सिम्टम है। फिर तृष्णा, प्यास बहुत ज्यादा लगना, और उसी तरह से पिड़काएं जो उठ जाती हैं वो रक्तवर्ण की होती है, और उनको टच करने पे पता चलता है कि उष्ण स्पर्श है, मतलब जैसे ही टच करेंगे तो ऐसा लगता है कि जल रहा है, ऊपर से हाथ में ही डॉक्टर को समझ आता है, पेशेंट भी बताते हैं कि उष्ण स्पर्शी है, और दूसरा पूरा बॉडी में रेडनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, तो उसको देख के हमें हम डायग्नोस करना चाहिए, हमें अगर बेसिक चीज मालूम रहेगा जब हम पेशेंट में देखते हैं तो हमें ये डायग्नोस करते आना चाहिए कि इसमें बहु दोषावस्था है और ये धातुगत हो गया है, धातुगत हो गया है, भले वो साध्य है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अवस्था तो समझ जाए कि ज्वर भी है और रक्त धातुगत भी है। ऐसे ही पेशेंट कैंसर के पेशेंट आते हैं जिनको ना ब्लड कैंसर होता है और रक्तगत ज्वर होता है, हम लोग उनको कैंसर 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 बोलते हैं कि लिकोमिया हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन वो रक्तगत ज्वर होता है। हम आयुर्वेद को ही नहीं मानते हैं, जब हम मानेंगे नहीं और एलोपैथी का डायग्नोस करके और चिकित्सा देने का कुछ कोशिश करेंगे कि सारीवा दे दिया, मंजिष्ठा दे दिया, चंदन दे दिया, उससे ठीक हो, ऐसा नहीं है, आयुर्वेद को समझना है, आयुर्वेद का ही चिकित्सा देना है, तब हम ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो बड़े बड़े वैद्य हुए हैं हमारे आने वाली पीढ़ी के पहले, जो वैद्य हो गए वह लोग के समय में यह कैंसर वगैरह का ये शब्द ही नहीं था, मतलब आज से 200-300 साल पहले आयुर्वेद ही था, और वो लोग ये ट्रीटमेंट करके सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर होते थे, इतना अच्छा चिकित्सा करते थे, परफेक्ट होते थे। आजकल ये डायग्नोसिस आ गया है कि कोई भी ऐसा ब्लड में ये बढ़ रहा है, WBC बढ़ रहा है, RBC बढ़ रहा है, प्लेटलेट बढ़ रहा है, तो कैंसर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ये सब चीज पहले नहीं था। हमें रसगत ज्वर कैसा सिम्टम होता है वो मैच हो रहा है क्या, रक्तगत ज्वर का लक्षण मैच हो रहा है क्या, एक बार किताब खोल के देखना तो चाहिए, तभी समझ आता है। उसी तरह से मासगत ज्वर जब रहता है, मास धातु में अगर ज्वर चला गया, और ये भी क्रम से हो रहा है, पहले रस धातुगत होता है, फिर रक्त धातुगत होता है, फिर मास धातुगत होता है, तो मास धातु में अगर ज्वर चला गया तो क्या सिम्टम आएंगे, माधव निदान में ज्वर अध्याय, ज्वर जो अध्याय है उसका 50 नंबर का श्लोक देखिए, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि पिंड को द्वेष्टनम तृष्णा सृष्ट मूत्र पुरीशता उष्मा अंतरदाह विक्षेपो ग्लानि स्यानम आसगे ज्वरे। मतलब ये बताया है कि पिंड को द्वेष्टन मतलब नस पे नस चढ़ती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जिस जो लोग मल वेगा विरोध करते हैं वो लोग बोलते हैं कि सर हमें पैर में थाइज मसल्स में या काफ मसल्स में नस पे नस चढ़ती है, तो यही सिम्टम मांस धातुगत ज्वर में भी होता है, पिंड को द्वेष्टन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मसल पे मसल का स्पाजम होने लगता है, फिर तृष्णा प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर मल मूत्र आदि की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होने लगती है, फिर ग्लानि होता है, थकावट बहुत ज्यादा होने लगती है, अंतरदाह होने लगता है, अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, फिर विक्षेप पैर में झटके आने लगते हैं, पूरा शरीर को झटकने का मन करता है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इतना तकलीफ होने लगती है। चरकाचार्य जी ने बोला है तमा प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और पूरा बॉडी से दुर्गंध आने लगती है, फीवर भी है और ये सारे सिम्टम भी है कि क्या हो रहा है, पिंड को द्वेष्ट हो रहा है, मतलब नस पे नस चढ़ रही है, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, मल मूत्र की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, छर्दी हो रहा है, ग्लानि हो रहा है, अंतरदाह हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और दुर्गंधी आ रही है पूरा, तो समझ लेना चाहिए कि मांस धातु का ज्वर है। उसके बाद में है मेदो धातु का ज्वर, मेदो धातु में अब ये क्रम से हो रहा है, रस धातु पे पहले हुआ, फिर रक्त धातु आगे आगे बढ़ रहा है, अगर चिकित्सा नहीं किया गया है, शुक्रगत हो गया तो असाध्य हो गया, फिर तो चिकित्सा कुछ भी करिए वो पेशेंट बचेगा नहीं, वो मृत्यु तक लेके जाएगा। अब मेदो धातुगत, और हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये पहले साध्यावस्था में रहती है, बाद में कृच्छ साध्य में आती है, फिर कृच्छ साध्य से असाध्यावस्था में आ रही है, इसलिए इनको डायग्नोस करना, परफेक्ट टाइमिंग में परफेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। मेदो धातुगत ज्वर में ऐसा बता रहे हैं, माधव निदान में ज्वर अध्याय में 51 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि वृषम स्वेदस तृष्णा मूर्त वृषम स्वेदस तृषा मूर्छा प्रलाप छर्दी रे वचा दौर्गंध्या रचको ग्लानि मेदस्ते च सह असहिष्णुता। इसमें मतलब बता रहे हैं कि मेद धातु का मल क्या है, तो पसीना है, स्वेद है,
इसमें पसीना बहुत ज्यादा आता है, इतना भी पसीना नहीं आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पसीना निकल रहा है, पूरा पसीना निकल ही गया तो फिर वो ज्वर ही उतर जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगता है, दूसरे ज्वर की अपेक्षा में ज्यादा पसीना आता है। उसी तरह से मल स्वरूप में स्वेद प्रवृत्ति होने लगती है, और फिर और क्या सिम्टम होते हैं तो तृष्णा होने लगती है। अब हर ज्वर में कुछ ना कुछ टिपिकल सिम्टम है। अब इसमें रसगत में बनने बताया कि जी मिचलाता है, हृदयोत्कलेश, क्योंकि रस व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है तो हृदय है, तो हृदयोत्कलेश होने लगता है। रक्तगत में क्या है, पिड़काएं आने लगती है, तो वो देख के हम लोग को समझ जाता है कि रक्तगत है। उसी तरह से मांसगत में पिंडकोद्वेष्टन, मसल्स पे ही हो रहा है, जो धातु का है उसी धातु के सिम्टम्स ज्यादा दिखेंगे। अब इसमें मेदोगत है तो पसीना ज्यादा आने लगता है, और बाद में और एसोसिएटेड सिम्टम है कि तृष्णा होता है, प्यास लगती है, उल्टी आती है बहुत ज्यादा, प्रलाप होता है, फिर उसके बाद में अरोचक होता है, ग्लानि होता है, दुर्गंधी आती है पूरा बॉडी से, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। और दुर्गंधी कितनी आती है, अगर बहुत ज्यादा तीव्र है तो मेदोगत है, थोड़ा कम है तो मांसगत है, यह समझना चाहिए। उसी तरह से अस्थिगत ज्वर, बोन फीवर जो बोलते हैं, हड्डियों तक बुखार चला गया है, उसमें ऐसा बता रहे हैं माधव निदान में ज्वर अध्याय में 52 नंबर का श्लोक, इसमें बता रहे हैं कि भेदोवस्थनाम कुजनम श्वासो विरेक छर्दी रे वचा विक्षेपणम च गात्राणाम मेदद अस्थिगते ज्वरे। इसमें ऐसा लगता है कि हड्डी को लेके हथौड़े से तोड़ दिया, तो जो पेन होता है, मतलब हड्डी को तोड़ दिया, इस तरह से वेदना होती है, इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है, हथौड़े से तोड़ तोड़ के आपकी हड्डी को मार के हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, इस तरह से वेदना होती है। फिर कूजन होता है, अंदर से कुछ आवाज आती है, तड़पन वाली आवाज आती है, फिर श्वास सांस फूलने लगती है, फिर द्रवमल प्रवृत्ति, बहुत लूज मोशन होता है, उल्टी आती है। उसी तरह से गात्र विक्षेप, अंग नव ऐसे विक्षेप, ऐसे झटके आने लगते हैं, झटके आने से पेशेंट को लगता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और टिपिकल सिम्टम कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने रसगत बोला तो हृदयोत्कलेश, मतलब उल्टी आना है, जी मिचलाना है, ऐसा रसगत होता है, अरोचक होता है, हृदय में लगता है कि कुछ तो अटक रहा है और उल्टी होना चाहता है। रक्त धातुगत में पिड़काओं की उत्पत्ति, मांस धातुगत होता है तो पिंडकोद्वेष्टन, अस्थिगत होता है तो हड्डी को तोड़ने जैसा वेदना। बाकी सिम्टम तो है, लेकिन इस हिसाब से टिपिकल सिम्टम से हम कैच कर सकते हैं कि ये बीमारी है, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से मज्जागत ज्वर जब रहता है तो तमा प्रवेशनम हिक्का कासा शैत्यम वमिस तथा अंतर्दाहो महाश्वासो मर्मश्चेदश्च मज्जगे, मतलब आंखों पे इसका असर होता है, मज्जा धातु से ही आंखें बनती है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तब मज्जा ज्वर है वो आगे की अवस्था में जा रहा है तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, तमा प्रवेश होने लगता है, हिक्का हिचकी बहुत ज्यादा आती है, ये मज्जागत ज्वर में रहता है। फिर कास खांसी बहुत आती है, छर्दी मतलब उल्टी बहुत होता है, अंतर्दाह होता है, पूरा बॉडी में बर्निंग होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे लगता है कि कोयला कोयला पूरा बॉडी में अंदर ही अंदर घुसा दिया गया, जलता हुआ कोयला। महाश्वास, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मर्मच्छेद, मर्मों में ऐसा लगता है कि छेद दिया है, 107 मर्म है ना, सभी जगह लगता है कि बहुत ज्यादा छेदन हो गया है, इस तरह से पेन होने लगता है, क्योंकि मज्जा जो है पूरा नर्वस सिस्टम है पूरा हमारा, और जहां जहां पे ये ज्वर का अटैक होगा, जहां जहां मज्जा तंतुओं पे अटैक होगा, तो वो मर्म स्थान भी है जो जहां वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, तो वहां पर तकलीफ होने लगती है। और ऐसा ये ज्वर जो रहता है बाह्यतः उतना नहीं पता चलता है, लेकिन अंतर्दाह बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होता है, सीवियर होता है, तो जैसे जल रहा है पूरा, इस तरह से मज्जागत ज्वर होता है। इसके बाद में बताया शुक्रगत ज्वर। अब ये कृच पहले साध्य अवस्था में था, ये ज्वर आगे बढ़ते बढ़ते कृच साध्यता में गया, फिर उसके बाद में शुक्रस्त हो गया। शुक्रगत ज्वर जब हो जाता है तो असाध्य अवस्था में जाता है। तो इस पर माधव निदान में ज्वर चिकित्सा में ज्वर निदान में 54 नंबर का श्लोक में बहुत बढ़िया बताया है कि मरणम प्राप्निया तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे शेफश्च शब्दा मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषता, मतलब इसमें अकारण जो पेनिस जो होता है वो उसका इरेक्शन बढ़ जाता है, वो शांति नहीं होता। ऐसा मैंने पेशेंट देखे हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, क्योंकि मेरा पढ़ाई हमारे सर ने, जमदग्नि सर ने लिया है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि उनका मेड जो है वो लूज पड़ता ही नहीं, कंटिन्यू फीवर भी आ रहता है और वो मेड पूरी तरह से कड़क रहता है, इरेक्ट रहता है।
और मेड प्रदेश में इतना इरेक्शन होता है, इतना इरेक्शन होता है कि कड़क होने से वेदना होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और शुक्र का स्त्राव होता है, और इतना स्त्राव कंटिन्यू होते रहता है और मृत्यु हो जाती है। ऐसे मैंने पेशेंट बहुत सारे देखे हैं जो अरिष्ट सूचक रहते हैं, उनका शुक्र निकलते रहता है, निकलते रहता है, उनका शुक्र निकलने के बाद भी वो लूज नहीं पड़ता है, कंटिन्यू शुक्र निकल निकल के मृत्यु हो जाती है। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये अरिष्ट सूचक लक्षण होते हैं और मृत्यु निश्चित है। उसके बाद में ज्वर का सामावस्था, पच्यमान अवस्था और निरामावस्था, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये सामावस्था, क्योंकि ज्वर जब रहता है, तरुण ज्वर रहता है, तो आम के वजह से ही रहता है, और आम की व्याप्ति पूरे बॉडी में हो जाती है, रसव स्रोत में पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और ज्वर जो है, ज्वर व्याधि जो है वो पहले आमावस्था में रहता है, उसके 3 स्टेजेस है। आमावस्था में रहता है ज्वर, फिर उसके बाद में पच्यमान अवस्था में जब दोष पचने लगते हैं, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स है वो ज्यादा बढ़े हुए दिखते हैं आमावस्था से ज्यादा, और फिर निरामावस्था रहती है जिसमें आम पच जाता है, थोड़े ही दोष रह जाते हैं, उसमें अग्नि प्रदीप्त हो गई होती है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इस पे मधुकोशकार जो है, जिन्होंने माधव निदान पे टीका लिखी है, विजय रक्षित जी और बोपदेव जी, दोनों गुरु शिष्य हैं, तो विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि दोषों की सामता और रस की सामता, इस आधार पे हम लोग आमद ज्वर को समझ सकते हैं कि जिसमें दोष सामावस्था में है, दोष है आम के साथ मिलके वात पित्त कफ, दोषों की सामावस्था है, और दूसरा रस धातु में वो सामता चली गई है, तो रस की सामता, ये 2 कंडीशन रहती है, और दोष के सामता के हिसाब से ही हम दोषों की सामता है, तो आमावस्था, पच्यमान अवस्था और निरामावस्था को डिसाइड करते हैं। रस सामता में केवल ज्वर रहता है, ज्वर का वेग रहता है, और इसका जो हम लोग स्पष्टीकरण है वो बाद में हम लोग देंगे। रस सामता को एक साइड में रखिए, पहले दोष सामता, उस वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें आमावस्था, पच्यमान अवस्था और निरामावस्था, उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो आमावस्था जो रहती है, इसमें ज्वर है और आमावस्था में, आम की अवस्था में है, तो कैसा रहेगा? तो चरक चिकित्सा स्थान 3रा चैप्टर में 131 से 133 नंबर का श्लोक है, आमावस्था में बता रहे हैं कि अरुचिश्चा विपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च हृदय विशुद्धिश्च तंद्रा चा अलस्य मेव च ज्वरो अभिसर्गी बलवाना दोषाणाम अप्रवर्तनम लाला प्रसे को हृल्लासो छुन्नासो विरसम्मुखम स्तब्ध सुप्त गुरुत्व च गात्राणाम बहुमूत्रता न विडजीर्णा न च ग्लाने ज्वरस्याम लक्षणम। इतना बढ़िया बताया कि इसमें अरुचि रहता है, आमावस्था रहेगा, भूख नहीं लगेगा, तो टेस्ट तो चला ही जाएगा, बुखार है इसमें, लेकिन कच्चा कच्चा बुखार है, मतलब उसमें ऐसा है कि वो आमावस्था में है, स्रोतस अवरुद्ध है, अग्नि मंद हो गई है, अग्नि बुझी नहीं है लेकिन मंद हो गई है, तो अरुचि आना स्वाभाविक है। फिर अविपाकश्च, मतलब खाना खाया हुआ पचता ही नहीं है, 2 दिन पहले खाया था वो भी पेट में भरा भरा है, यह अविपाकश्च। आपके ज्वर के पेशेंट आते होंगे, या आप में खुद भी ज्वर होता है तो आप लोग भी बताते हैं, भूख ही नहीं लगती है खाना खाने के बाद। उसी तरह से गुरुत्व उदरस्य च, पूरा पेट जो रहता है उसमें गुरुता रहती है, टाइटनेस रहता है, ऐसा लगता है पेट भरा भरा है, गुरुता है। फिर हृदय अविशुद्धिश्च, हृदय जो रहता है वो लगता है कि कुछ तो जकड़ा हुआ है, कचरा जमा है हृदय में, उसका पंपिंग एक्शन नहीं हो रहा है। फिर तंद्रा, ऐसे ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है। फिर आलस्य में वचा, बहुत ज्यादा लेजीनेस होता है, उठने को मन नहीं करता, बेड पे लेटे रहने का मन करता है। ज्वरो विसर्गी बलवान दोषाणाम अप्रवर्तनम, इसमें ज्वर जो रहता है वो जाता ही नहीं है, ज्वर वहां पे टिका ही रहता है, अविसर्गी बोल रहे हैं, ज्वर कंटिन्यू रहता है, आमावस्था रहती है, पूरा बॉडी में हैवीनेस रहता है, और बहुत ज्यादा जी मिचलाता है, अरुचि रहती है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं दोषाणाम अप्रवर्तनम, दोष जो रहते हैं उनका प्रवर्तन भी नहीं होता, दोष भी रुक जाते हैं आम के वजह से, इतना ज्यादा स्त्रोतोरोध रहता है। फिर लाला प्रसय को, मुंह से सलाइवा बहुत ज्यादा निकलने लगता है। हिरलासो मतलब जी मिचलाते हैं बहुत ज्यादा। शुन्नाशो मतलब भूख कम हो जाती है। विरसम मुखम, मुंह का स्वाद जो है वो विरस हो जाता है, कोई टेस्ट ही नहीं आता है। स्तब्ध सुप्त गात गुरुत्वम च, शरीर जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, गुरु हो जाता है, और सुप्तता बढ़ जाती है, नमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गात्राणम मतलब सुप्तता च गात्राणम, पूरा शरीर जो है वो सुप्त हो जाता है, मतलब जो जिसे बोलेंगे सेंसेशन लॉस होने लगता है। फिर बोल रहे हैं बहुमूत्रता, बहुत ज्यादा यूरिन आने लगता है, क्योंकि आम जो है ना वो कैसा है कि बहुत ज्यादा कीचड़ कीचड़ जैसे जमा हो जाता है, पानी पियेंगे वो आम और सोख लेगा, और इसके वजह से बहुत मूत्रता होने लगती है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है। न विदग्ध जीर्ण च, उसमें खाया हुआ
पछताई नहीं है, मल भी नहीं पछता है, साम मल रहता है। विड़ न विड़ जिरना, विड़ जो है मतलब मल है उसका भी पचन नहीं होता है। न च ग्लानि, मतलब उसमें ग्लानि इतना ज्यादा रहता है, थकावट रहती है। ज्वर श्यामस्य लक्षणम, ये आमत ज्वर के लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर आमावस्था है ज्वर की, आम जो मतलब ज्वर जो है वो कच्चा अवस्था में रहता है। पच्चमन अवस्था और निरामावस्था हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद में सुषुत उत्तर तंत्र में भी इसके बारे में यही सिम्टम बता रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है देखने का और प्रैक्टिस का, थोड़ा उनका जो अभ्यास है सुषुत का थोड़ा अलग तरह से है। तो वह ऐसा बताते हैं कि हृदयोद्वेष्टनम तंद्रा लाला श्रुति अरोचक, मतलब हृदय में उद्वेष्टन हो रहा है, जिस तरह से मर्दन करते हैं उद्वेष्टन करते हैं उस तरह से, ऐसे निचोड़ रहे हैं उस तरह से पीड़ा होने लगती है आमावस्था में। तंद्रा बहुत ज्यादा ना ड्राउजीनेस आने लगता है। फिर लाला श्रुति मुंह से बहुत ज्यादा स्त्राव होने लगता है। अरोचक अरुचि उत्पन्न हो जाती है। दोषा अप्रवृत्ति आलस्यम, दोषों की अप्रवृत्ति होती है, आलस्य बहुत ज्यादा होता है। विबंधो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है। बहुमूत्रता बहुत ज्यादा यूरिन आने लगता है। गुरुत्वम उदरत्वम अस्वेदो, मतलब पेट में हैवीनेस आने लगता है, पसीना नहीं आता है। अस्वेदो न पक्ति शक्ति शक्रितो रति, अग्नि जो रहता है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। न पक्ति मतलब पचन जो रहता है वो कम हो जाता है, और शक्रितो मल भी अच्छे से नहीं निकलता है क्योंकि सामता बहुत ज्यादा रहती है। मल अगर बहुत जोर से निकालेंगे तो थोड़ा चिपका चिपका थोड़ा सा ही निकलेगा। चिकनाहट बहुत ज्यादा रहती है, ऐसा लगता है जैसे मैदा होता है, गाढ़ा मैदा का घोल है उस तरह से मल होता है। यह अमावस्था रहती है। और अरति मतलब मन जो रहता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ व्याकुल तड़पते रहता है। उसी तरह से स्वापह, दिन भर पेशेंट जो है अमावस्था में लेटा रहता है, बार बार उसको दिन भर नींद आती रहती है। स्तब्धो स्तंभो गुरुत्वम च, स्टिफनेस बहुत ज्यादा आती है, गुरुता बहुत ज्यादा आती है। फिर गात्राणाम वहनी मार्दवम, मतलब पूरा शरीर में गुरुता आती है। अग्नि जो रहता है मृदु हो जाता है बहुत ज्यादा, उसमें मंद हो जाता है। मुखस्य अशुद्धि ही ग्लानि, मुंह में अशुद्धि रहती है, कितना भी ब्रश करेंगे ना तब भी लगता है कि मुंह साफ नहीं हुआ है, और अंदर से ना अंदर पेट से स्मेल आने लगती, बैड स्मेल आने लगती है कितना भी ब्रश करेंगे क्योंकि आमावस्था है। उसी तरह से अग्लानि मतलब ग्लानि ग्लानि बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा थकावट आती है। फिर बलवान ज्वर है, जब ये ज्वर बढ़ जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा ज्वर का इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है। लिंगे रेबी विजान्यत ज्वर मामम लक्षण, ये सारे लक्षणों से आम ज्वर के लक्षण समझ लेना चाहिए। इसी को माधव निदान में भी बताया है, दूसरा अध्याय में 54 नंबर का श्लोक। ज्वर उपद्रव तीक्ष्णत्वम ग्लानि बहुमूत्रता, मतलब ज्वर का उपद्रव सबसे ज्यादा हो जाता है आमावस्था में, तीक्ष्णत्व रहता है मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में ग्लानि थकावट बहुत आती है, बहुमूत्रता आती है। ना प्रवृत्ति ना वृणा जीर्णा न शुद्ध साम ज्वराकृति, उसमें मल प्रवृत्ति भी नहीं होती है, अजीर्ण हो जाता है। यह आम ज्वर के सिम्टम होते हैं। उसी तरह से काश्यप खिल स्थान में बताया, काश्यप संहिता का खिल स्थान में दूसरा चैप्टर का जो ज्वर का उसमें बता रहे हैं, 18 और 19 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि विबंधा रुचि तृण मूर्छा, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल प्रवृत्ति भी अच्छे से नहीं होती है, सामता बहुत ज्यादा रहती है इसलिए मल नहीं निकल पाते क्योंकि मल का भी पाचन नहीं हुआ रहता है। अरुचि बहुत रहती है, प्यास नहीं लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तृण मूर्छा बहुत प्यास लगती है, मूर्छा बहुत बार बार आती है। गात्र भेदा पूरा बॉडी में ऐसा लगता है जैसे तोड़ दिया है इस तरह से पेन होने लगता है। शिरो रुझा हेडेक बहुत ज्यादा होने लगता है। आप लोगों के पास भी अगर आमावस्था में पेशेंट आते हैं, या आप लोगों को भी कभी हो जाता है ना, आम बहुत ज्यादा हो गया, फीवर आ गया, ऐसा लगता है कि सर दुख रहा है बहुत ज्यादा, कंटिन्यू सर दर्द होने लगता है। प्रलाप मतलब पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग करने लगता है। आलस्य बहुत ज्यादा लेजीनेस आता है। हृदयास मतलब जी मिचलाता है। तंद्रा दाह बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस आता है, दाह बर्निंग होने लगता है। श्रम भ्रमाः थकावट आने लगती है, पेशेंट जो रहता है वो कंफ्यूजन के स्टेज में रहता है। उसी तरह से मूत्र प्रचुरता ग्लानि ही बहुमूत्रता होती है, बहुत बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में यूरिन होता है, बार बार आता है, ग्लानि थकावट बहुत ज्यादा आती है। फिर पुरुषस्य विपक्वता, पुरुष जो रहता है मल जो रहता है वो पचता नहीं है उसमें। उत्क्लेशो मतलब जी मिचलाता है बहुत ज्यादा। गुरुत्व कोष्ठत्वम पेट जो रहता है वो भारी भारी रहता है, पेट टाइट रहता है, ऐसा उसमें ऐसा लगता है कि कोई जगह ही नहीं है, पूरी तरह से फूल गया है पूरा। लिंगन्याम ज्वरे वदेत, इस तरह से काश्यप संहिता में भी इसके बारे में बता दिया है। इसके बाद में पच्यमान अवस्था बता रहे हैं। पच्यमान अवस्था जो है वो मैं कल बताऊंगा क्योंकि ना एक ही दिन सारा बताऊंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, सब लगेगा कि सारे ज्वर तो एक जैसे हैं। अभी मैं आप लोग के जो प्रश्न है
आप लोग इसमें लिख दीजिए, मैं उसके आंसर देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक ही दिन सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। आपने भी आम ज्वर के लक्षण देखे होंगे, धातुगत ज्वर भी देखे होंगे, तो आप ना अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा हमें, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए ऐसे पेशेंट, और इस तरह से एनालिसिस करिए कि रसगत ज्वर है क्या, इसमें बहुत दोष रहते हैं, विषम ज्वर में अल्प दोष रहते हैं, संतत सतत अन्यदुष तृतक चतुर्थक, वो जो मैंने बताया था वो कम मात्रा में रहता है, यह जो है उसका आना और जाना फिक्स रहता है कि वो आएगा और जाएगा, ये रसगत ज्वर जो रहता है कंटिन्यू रहता है, ये जाता ही नहीं है। एक बार जैसे बोलते हैं ना कि कोई मेहमान आ जाते हैं घर में, वो आ गया तो बैठ गया, वो जाता ही नहीं है, उसको कितना भी धक्का मारो कुछ भी बोलो वो जाता ही नहीं है। इस तरह से ये बिना बुलाए मेहमान है ज्वर, ये रस धातुगत हो गया तो वैसे सिम्टम दिखाएगा, अगर चिकित्सा नहीं किया तो बैठ ही जाएगा, जबरदस्ती बैठ जाता है, अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया तो फिर रक्त धातु में जाके बैठ जाएगा, मतलब कोई मेहमान आ गए, सपोज आपके घर में कोई सगे संबंधी आ गए और बिना बुलाए आ गए, और आने के बाद आपका एक रूम में पहले बैठे, उसके बाद में आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरा रूम कैप्चर कर लिया, तीसरा रूम कैप्चर कर लिया, ऐसे ये शुक्रगत जाके फिर जाते ही नहीं है, फिर कब्जा कर लेते हैं, मतलब फिर मृत्यु को ही लेके जाते, जो जैसे मेहमान होते हैं ना, ऐसे जो जबरदस्ती वाले मेहमान होते हैं, उसी तरह से ये बुलाया गया नहीं है जो, ये खुद ही आ जाता है और आके बैठ जाता है, और बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है और इनकी चिकित्सा करना जरूरी है। अगर कोई मेहमान आपके घर आ गए तो उनको हम भगाने का कोशिश करते हैं, जो इस तरह से चिपकू चिपकू रहते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग रहते हैं, और जो आपके काम को बाधा डाल रहे हैं, तो आप उनको घर में रखेंगे क्या? एक दिन दो दिन हो गया, अगर वो बोलेंगे कि हम सालों साल रहेंगे और आपका ही लूटेंगे, आपका ही फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आपका ही खाना खा जाएंगे, और आपका ही घर बेड में हो जाएंगे, आपका लैपटॉप यूज करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि हमको तकलीफ हो रही है? इसी तरह से बॉडी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो बॉडी जो रहता है उसमें कुछ ना कुछ विकृति आने लगती है और सारे सिम्टम आते हैं, तो हमें चिकित्सा करना जरूरी होता है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। अब प्रियंका जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मुझे तो आयुर्वेद बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मैं ऐसे ही समझ के फिर चिकित्सा करता हूँ, परफेक्ट डायग्नोसिस, सूक्ष्म अभ्यास, परफेक्ट डायग्नोसिस और चर्चा करना, जितना हम लोग करते हैं ना उतना हमारे क्लिक होता है कि हाँ ये रक्तगत ज्वर है, पिंड को उद्वेष्टन हो रहा है तो मांसगत ज्वर है, अगर हड्डियों में तोड़ने जैसा वेदना हो रहा है तो अस्थिगत ज्वर है, और कंटिन्यू फीवर रह रहा है, ये टिपिकल सिम्टम है, अगर आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मूर्छा आ रही है तो मज्जागत है, उसी तरह से मेड्र जो है वो एकदम कड़क रह रहा है, उसका पेनिस इरेक्ट ही का इरेक्ट ही रह रहा है, वो शांति नहीं हो रहा है, और फीवर भी बहुत दिनों से आया है, तो इसमें शुक्रगत ज्वर है और शुक्र कंटिन्यू निकल रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन जी बोल रहे हैं कि धातुगत ज्वर में शोधन चिकित्सा के बारे में कुछ बताइए। जी मैं आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं शोधन शमन सारी चिकित्सा बताऊंगा, थोड़ा रुक तो जाए, पहले समझ तो लीजिए कि व्याधि क्या है, चिकित्सा 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 करेंगे, हम चिकित्सा में भी जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर रमनगर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भाविन श्री जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग देखिए आयुर्वेद है इतना इंटरेस्टिंग है ना, बस बेसिक समझ आना चाहिए तो कितना इंटरेस्टिंग और इतना इजी है, मतलब अगर ये ना हमारे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कभी कभी हम बोलते हैं कि ब्लड कैंसर है और पता चलता है कि उसमें रक्तगत ज्वर था और उसी के वजह से WBC काउंट बढ़ा हुआ है, और जब हम रक्तगत ज्वर की चिकित्सा करते हैं पेशेंट ठीक हो जाता है, बहुत सारे स्किन कैंसर के पेशेंट होते हैं वो मांसगत ज्वर ही रहता है, हमें हमें डायग्नोस करना नहीं आता क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया, हमें किसी ने कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं है, हमने कभी करते हुए देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो इसीलिए हम फिर मॉडर्न के डायग्नोसिस में जाते हैं, फिर केमोथेरेपी दो और उसके पैरेलल में कोई फॉर्मूला दो, मतलब ये दो हीरक भस्म दो, ये भस्म दो, वो भस्म दो, ऐसा नहीं होता है, आयुर्वेद के हिसाब से जो ज्वर आ रहा है कौन से धातु में है, कौन से सिम्टम दिख रहे हैं, उस हिसाब से डायग्नोस करना चाहिए, वो ज्वर ही रहता है ज्यादातर। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना सक्सेना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भुवनेश शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दत्ता प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अविनाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी क्या है ना कि मैं आप लोगों को ऐसे पेशेंट भी दिखाऊंगा
केवल हम लोग थ्योरेटिकल करके किताब बंद करके नहीं रखने वाले हैं। आगे आने वाले सत्रों में मैं आपको पेशेंट प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ऐसे पेशेंट आए हैं और इसको मैंने मांसगत ज्वर देखा, इसमें मैंने अस्थिगत ज्वर देखा, और मैंने ऐसे चिकित्सा किया, ऐसे फायदा हुआ, तो आप लोगों को और विश्वास हो जाएगा कि सच में ऐसा ही होता है। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि सर फीवर परसिस्टिंग इन सेम सीजन एवरी ईयर, इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करें? अब क्या है कि फीवर आ रहे हैं तो ऋतुओं के हिसाब से आ रहे हैं ना, तो उसमें हमें एवरी ईयर अगर परसिस्टेंट है, परसिस्टिंग ज्वर है, तो उसमें हमें काल के हिसाब से देखना चाहिए कि शरद ऋतु में उसका पित्त का प्रकोप हो रहा है तो उसने पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया है वर्षा ऋतु में, और फिर शरद ऋतु में भी कर रहा है, उसमें तो हम शोधन करते हैं। लेकिन ये जो धातुगत ज्वर है ये और ज्यादा डीप हो जाता है, इसमें दोष पाक से धातु पाक अवस्था आ जाती है, ये बहुत ज्यादा दोष बढ़े हुए रहते हैं, इसको ना असाध्य ज्वर तक वो जा रहे हैं, मतलब साध्य से कृच्छ साध्य, फिर ये मतलब कृच्छ साध्य से असाध्य अवस्था में जा रहा है। और जो आप बोल रहे परसिस्टिंग इन सेम सीजन, ये तो नॉर्मल ज्वर है ना, प्राकृत ज्वर है, वो छोटा वाला ज्वर है, उसको हम लोग जैसे पित्त का अगर पित्त के काल में आ रहा है तो सुरशेखर रस देंगे, प्रवाल पंचामृत कामदुदा देंगे और थोड़ा विरेचन दे देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। वसंत ऋतु वाला जो कफवज वाला है, सेम सीजन में आ रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग कफ का वमन करा देंगे, कफ शामक चिकित्सा देंगे, पंचकोल देंगे, त्रिकटू देंगे, ठीक हो जाएगा। वायु के काल में आ रहे वात शामक चिकित्सा करेंगे और त्रिभुवन कीर्ति रस जैसे वात कफात्मक जो संप्राप्ति भंग करे वो देंगे तो ठीक हो जाएगा, या बस्ती देंगे, शोधन करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये धातुगत अवस्था वाला है ना, ये बहुत ज्यादा डीप रहता है, ये नॉर्मल ज्वर नहीं रहता है, मतलब ये बहुत ज्यादा डीप रहता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर पंकज जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरीता जी बोल रही हैं कि बिल्कुल सही कहा, रक्त का ज्वर मांसगत ज्वर के बारे में और बताइए, मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, हमें 8 बजे का सेशन भी करना है, मैं इसी को और बार बार पढ़ाऊंगा और घुसा घुसा के रखूंगा। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में ट्विंकल टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर हाउ यू आर, जो ऐसे सिखाया जाता है ना, और फिर मतलब ABCD वैसे सिखाया जाता है, वैसे आयुर्वेद का ये धातुगत ज्वर, आम ज्वर, पच्चमान्य ज्वर, ऐसे मैं आप लोग के दिमाग में घुसा घुसा के रखूंगा, मतलब बेसिक पूरा घुस जाएगा ना, वो निकलेगा ही नहीं आपको, इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, ये मेरे गुरु जी लोगों ने पढ़ाया है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डॉक्टर चौधरी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं ना अपना नंबर देता हूँ और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर PDF शेयर किया जाता है, आप अगर आप लोगों को ये नोट्स वगैरह चाहिए ना, मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और आप लोगों को फॉर्मूला भी दूंगा, जो आयुर्वेद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जब BMS कर रहा था ना तो मुझे समझ ही नहीं आता था, कोई बताने वाला ही नहीं था, बहुत सारे डाउट्स रहते थे, और ऐसे उलझलुल डाउट आते हैं ना जिसका ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम क्या करें, कौन हमारा डाउट को क्लियर करेगा, तब ना ऐसा लगता था कि कोई ना कोई गुरु होते काश, तो हमको वो डाउट क्लियर करते, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था हमारे टाइम पे, कॉलेजेस में पढ़ाते ही नहीं थे, और जो पूछने गए तो वो हमें घुमा के डांट देते थे, क्योंकि उनको खुद भी नहीं आता था, समझाने नहीं आता था। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं जब कभी डिग्री होल्डर हो जाऊंगा, मैं प्रैक्टिशनर हूंगा, तो मैं सब लोगों को सिखाऊंगा ये सारा चीज, तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सिखाऊंगा, बार बार सिखाऊंगा, इसलिए आप लोग घबराइए मत, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ में ही हूँ, और आप लोग को जो डाउट आ रहा है उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछे, बात पित्त कफ, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, मुझे डाउट से गुस्सा नहीं आता, मुझे जो जानबूझ के परेशान करते हैं उन पे गुस्सा आता है, मुझे डाउट से कभी नहीं गुस्सा आता। देखिए मैंने फ्री इंटरेक्टिव सेशन का भी पासवर्ड ID दे दिया है, अब मैं अपना सेशन बंद करता हूँ, 15 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं फिर आता हूँ, फिर मिलेंगे, प्रणाम सभी लोग।